अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरे फेसबुक पेज का नाम है पाकिस्तानी एडिबल क्ले सेलर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेलकम टू माय चैनल काम विद जेस्ट। ये फ्रेश स्टॉक हमारा रेडी हुआ है, तो ये मैंने आपको दिखाने थे। ये सॉसर्स हैं और ये देखिए, इन सब में राख लगी हुई है इसलिए आपको ऐसे दिख रहे हैं अभी। ये देखिए बहुत क्रंची हैं, बहुत अर्दी हैं। अभी मैं आपको ना इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इसके असल में क्रंचीनेस है कितनी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने सॉफ्ट हैं, कितने क्रंची हैं। थिक में भी बनवाए हैं और थिन में भी बनवाए हैं। ये आप देख लें, बिल्कुल स्मूथ हैं, नॉन ग्रिटी हैं, क्रंची हैं और अर्दी हैं। और एक बात जो मैंने अपने कस्टमर से शेयर करनी थी वो ये कि जब आप लोग पार्सल मंगवा लेते हैं ना, क्योंकि ये क्लेज हैं तो एक दूसरे के साथ रब होती हैं एंड ऑल, तो जब आपके पास ये पहुंचती हैं तो आप इनको पहले क्या किया करें, ये ऑलरेडी क्लीन्ड होती हैं, आप इन्हें सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए पानी में डिप करें और निकाल के प्लेट में रख दें। हर क्ले को ऐसे ही करें एंड देन उसको धूप में रख दें। पूरे 20 या 25 मिनट के बाद आप उसको ट्राई करेंगी ना, धूप में बेशक ना रखें, आप इसको पंखे में हवा में रख दें। जब आप ट्राई करेंगी, इसकी अर्दीनेस डबल ट्रिपल हो जाएगी हर क्ले की। मुझे ख़ुद भी जब क्रेविंग हो रही होती है और मैंने क्रंच करना होता है, तो मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही करती हूँ। पहले टैप के नीचे रखती हूँ 2-3 सेकंड वाटर के नीचे, और फिर उसके बाद मैं इसको धूप में रखती हूँ या हवा में रखती हूँ और उसके बाद क्रंच करती हूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आइडिया। ये देखें, ये ग्लास हैं, ये भी थिक में भी अवेलेबल हैं, थिन में भी अवेलेबल हैं। कोई भी मेरा क्ले पॉट कच्ची मिट्टी के जैसा घुलेगा नहीं, आपको कच्ची मिट्टी के जैसा टेस्ट नहीं देगा। ये हाफ बेक्ड हैं और कुछ स्मोकी हैं इनमें, कुछ फुल स्मोकी हैं, कुछ लिटिल स्मोकी हैं। आप ये देखें, नॉन स्मोकी भी अवेलेबल हैं, अंदर से ये भी हाफ बेक्ड हैं। मैं आपको फुल स्मोकी वाला ब्रेक करके दिखाऊँगी। ये देखें, ये मेरे पास एक रखा हुआ है, मैं इसको और भी आपको ब्रेक करके दिखाऊँगी इस वीडियो के एंड पे। ये देखें, बाहर से दिखने में आपको ये फुल स्मोकी लग रहा है, लेकिन ये जब ब्रेक हुआ है तो अंदर से कैसा है, हाफ बेक्ड। बहुत क्रंची है, बहुत अर्थी स्टॉक है, थिक में भी अवेलेबल है, थिन में भी अवेलेबल है। और ऊपर से जो इसकी नेक हमने रखी है वो थिन रखी है, और नीचे से बेस पार्ट हमने इसका थिक रखा है। ईजीली क्रंचेबल है। ये देखें, जब ये पानी में जाएगा ना, अगर आपका ना दिल किया उसी वक्त क्रंच करने का, तो फिर आप मुझे कहिएगा। इसके साथ जो लिटिल ब्राउन में रखा है ना, ये दिए का ब्रोकन है, ये नॉन बेक्ड है। ये मैंने आई डोंट नो व्हाई क्यों रख दिया, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ऑल दो दिखाया हुआ है आपको नॉन बेक्ड का स्टॉक। ये देखें, ये ग्लास हैं और ये सारे नॉन बेक्ड हैं। देखें किस कदर स्मूथ क्ले है, ग्रिट फ्री, बिल्कुल भी इसमें ग्रिटीनेस नहीं है 1% भी। बहुत अर्थी हैं, बहुत क्रंची हैं। नॉन बेक्ड का भी मेरे पास ऑर्डर था, तो मैंने कुछ नॉन बेक्ड भी अपने पास तैयार करवा के रख ली हैं। बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है, वीडियो में बिल्कुल सेम वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मेरे सामने ये रखे हुए हैं। ये नॉन बेक्ड है, देखें कितने किस कदर स्मूथ है। और ये अभी मैं आपको बेक्ड सारे दिखाती हूँ, देखिएगा आपको बिल्कुल साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है। ये देखें, ये हाफ बेक्ड और वो नॉन बेक्ड, कलर का भी डिफरेंस है। ये देखिए, ये सॉसर्स और ये ब्रोकन अंदर से, और ये हैं थिक पॉट्स, हमारी स्पेशल सुप्रीम क्ले पॉट्स। दीज आर माय न्यू एंड मोस्ट फेवरेट नाउडेज। एक वो कोलकाता क्ले पॉट्स क्रंची वाले जो कल मैंने आपको स्टॉक में दिखाए, एक वो मेरे बहुत फेवरेट हो गए हैं आजकल, और एक ये वाले थिक क्ले पॉट्स। लेकिन ये नॉन बेक में मुझे नहीं पसंद, मुझे हाफ बेक में पसंद है। और जो मैं वीडियो में ये आपको जो दिखा रही हूँ, ये नॉन बेक में रखे हुए हैं, हाफ बेक भी हैं, पूरा स्टॉक रेडी है, लेकिन वो मुझे इसके साथ रखना याद नहीं रहा वीडियो में दिखाने के लिए। मैं आपको लेकिन वीडियो के एंड पे ना वो साथ रख के दिखाऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखें, थोड़ी थोड़ी सी क्ले अंदर इसके चिपकी हुई है, क्योंकि ना ये क्रेव हुआ है, क्रेव आर्ट्स की एक टर्म है। ये जो कटिंग हुई हुई है ना, इसमें इसको क्रेविंग कहते हैं। जब मतलब हम आर्ट्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम इसको क्रेव करना बोलते हैं। तो ये देखें, ये अंदर वो कटिंग करते हुए अंदर जो क्ले गिरी हुई है ना, वो लगी हुई है इसके अंदर। अच्छा जी, तो ये देखें, ये आप
सारे क्ले पॉट्स मैंने आपको दिखा दिए। एक और बात वो ये कि जब मेरे पास कस्टमर्स आते हैं वो मुझे ये कहते हैं कि पिक्चर सेंड करें हमें नॉन बेक्ड की, हाफ बेक्ड की, इस क्ले की, उस क्ले की। तो पिक्चर्स तो मैं आपको नहीं सेंड कर सकती इसलिए क्योंकि आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ ये क्ले पॉट चिप्स हैं, और ये मेरा सुप्रीम पॉट टूट गया था, ये उसके चिप्स हैं। मैं आपको अभी इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ ब्रेक करके। इतनी आसानी से ये ब्रेक हो जाते हैं और ये हाफ पेक भी हैं और अर्थी भी हैं, मतलब कि जस्ट अ मैजिक, जस्ट यू नो, मतलब टेस्ट बर्ड्स को तो सुकून आ जाता है, इतने मज़ेदार हैं ये, परफेक्ट मैं कहती हूँ। ये देखें, रेड भी हैं, ये क्रंची भी हैं, ये सॉफ्टनेस भी है कि मतलब हम क्रंच करते हैं तो इजीली च्यूएबल, इजीली ब्रेकेबल, इजीली क्रंचेबल। और ये देखें, कच्ची मिट्टी के भी बिल्कुल टेस्ट नहीं आता क्योंकि ये है ही हाफ बेक्ड। बहुत मज़े के हैं इसमें। और ये देखें इसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको ना अभी सारे ब्रेक करके दिखाती हूँ। ये देखें, देखिए अंदर से हाफ बेक्ड है। छोटा पीस होता है ना तो उसको ज़रा तोड़ना मुश्किल होता है, वो हाथ में आ ही नहीं रहा होता फिंगर्स में, तो तोड़ें कैसे। फिर भी मैंने आपको बहरहाल ये तोड़ के दिखा दिया। ये देखें अंदर से हाफ बेक्ड है और क्रंची है, और ये देखें नॉन बेक्ड और बेक्ड साथ रखा हुआ है, दोनों का डिफरेंस देखें। ये है नॉन बेक्ड जो मेरे हाथ में है, और वो जो रखा हुआ है वो है हाफ बेक्ड। देखें ये राख लगी हुई है इनमें सारी। पता नहीं कैमरा ऊपर था और मैं जूम करके बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इसकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच पा रही है कि नहीं। बहरहाल मैंने कोशिश की है कि आज जो इसकी असल टेक्सचर है और क्वालिटी है वो मैं आपको दिखा सकूँ वीडियो के ज़रिए। मुतमईन होकर फिर आप ऑर्डर करें, रोस्टेड में, नॉन रोस्टेड में, हाफ रोस्टेड में, बेक में, नॉन बेक्ड में, हाफ बेक में, स्मोकी में, लिटिल स्मोकी में, सब स्टॉक अवेलेबल है। और मेरी बाकी सारी क्ले का स्टॉक देखने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से जाकर क्ले की सारी क्ले की मैंने एक ही वीडियो में वैरायटी और क्वालिटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। अपना पार्सल भी आपको ट्रैक कर सकते हैं, मुझसे कंसाइनमेंट नंबर ले लें अपने पार्सल का और खुद ट्रैक करें। अगर आपने नहीं करना, मतलब आपको नहीं करना आ पा रहा, तो मैं आपको ट्रैक करके दे दूंगी, स्टेटस आपको शो होता रहेगा, इस टाइम पर कहाँ है, इस टाइम पर कहाँ है, आपके घर के लिए कब निकला है पार्सल, कितनी देर में आपको मिल जाएगा, वो सारा स्टेटस शो हो रहा होता है। सॉसर भी आप देख लें, बहुत क्रंची है, बहुत हेल्थी है, इजीली मेरे हाथ से ब्रेक हो रहा है तो दांतों से कितनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुतमईन होकर ऑर्डर कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है,
नहीं मतलब स्टॉक तो ख़त्म हो जाता है लेकिन फिर स्टॉक जल्दी आ जाता है, लेकिन आप मुतमईन होकर ही ऑर्डर करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।